नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, जिस बीज का हमें इंतजार था वो आज हमारे पास आ चुका है और आज है 31 अक्टूबर 2021। तो इसका साइज क्या है और ये कितने रुपए में मुझे पड़ा है और किस कंपनी का, सारी कुछ जानकारी मैं आगे इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करके रख लें, क्योंकि आगे मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और किसान भाइयों, 25 अक्टूबर के बाद काफ़ी तेज़ी से आलू की गड़ाई शुरू हो चुकी है, यानी आलू की बुवाई शुरू हो चुकी है। तो अब काफ़ी तेज़ी से हो रही है, 15 नवम्बर तक काफ़ी तेज़ी से इसकी बुवाई हो जाएगी। तो इसके बारे में भी मैं काफ़ी वीडियो डालूंगा। और अभी तक जो मैंने चिप्सोना कोफ्री चिप्सोना 1 जो बीज मंगाया था वो मैंने अभी तक नहीं इसकी बुवाई की है, तो कल लगभग मैं उसकी बुवाई करूंगा, तो आपके लिए वीडियो ज़रूर लेके आऊंगा। और अगर इसके हम रेट की बात करें सबसे पहले, तो इसका जो रेट मुझे पड़ा है 1250 रुपये पैकेट, और ये भाड़ा मेरे पास लगा है 50 रुपये के करीब भाड़ा लगा है। तो अगर किसान भाइयों, इसके अगर कंपनी की बात करें, ये ITC वालों का है, यानी टेक्निको वालों का है। और इसमें जो साइज है ये है गुल्ला साइज। तो इसके बारे में MM कितना मैंने मंगाया है और मेरे पास ये कितने MM का आया है, इसकी मैं जानकारी कल आपके लिए पूरी दे दूंगा और मैं इसके खोल के भी दिखाऊंगा ये बीज कैसा है। तो इसके बारे में अगर आपको और वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल आगे जो वीडियो आएगी वो आपके पास ज़रूर आ जाएगी अगर आप बेल दबा दोगे तो। और किसान भाइयों, मेरी जो कोफरी जो चिप्सोना 1 जो मैंने बीज पहले मंगाया था वो मुझे 1800 रुपये पैकेट पड़ा था, और उसकी गड़ाई में लगभग कल लगभग उसकी गड़ाई कर दूंगा मैं, तो आपके लिए मैं ज़रूर वीडियो दिखाऊंगा उसकी गड़ाई करूंगा तब। और किसान भाइयों, जो 18 तारीख से पहले मेरे पास वो बीज है और 18 तारीख की बारिश की वजह से मैंने वो नहीं गाड़ा था, इसलिए मैं उससे बच गया हूँ, नहीं तो काफ़ी बेकार हो जाता। लेकिन उसमें अंकुर निकले आए हैं, मैं उसकी गड़ाई नहीं कर पाया था, खेत काफ़ी गीला था इसलिए। और अब खेत भरभरा हो चुका है और लगभग उसकी कल मैं बिजाई कर दूंगा, तो मैं वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा आपके लिए। और ये वीडियो किसान भाइयों कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, और ये मुझे वीडियो आपके लिए दिखाना कितना ज़रूरी था ये भी ज़रूर बताना आपके लिए। तो कल मैं इसको खोल के दिखाऊंगा। नमस्कार किसान भाइयों, थैंक यू।